गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास वन का जीके पढ़ेंगे। चैप्टर फाइव, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स मीन्स औजार। सम टूल्स गिवन बिलो आर मिक्स्ड अप। यहाँ कुछ औजार दिए हुए हैं जो कि मिक्स है। आइडेंटिफाई द टूल एंड द पर्पस इट यूज फॉर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमें क्या करना है, उसे आइडेंटिफाई करना है और इसके जो भी यूज़ हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं, इस फिल इन द ब्लैंक्स में उसे फिल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेयर ऑफ सीजर्स इज यूज टू कट क्लॉथ। मैंने यहाँ पे क्या फिल किया है, सीजर्स। सीजर्स मीन्स होता है कैंची। तो कपड़े काटने के लिए हम लोगों को कैंची की ज़रूरत होती ही होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर सीजर भरा। आप लोग भी इसे फिल कीजिए। सेकंड है, ए नाइफ इज यूज टू कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। नाइफ मीन्स होता है चाकू। चाकू की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कट करते हैं मीन्स काटते हैं। थर्ड है, ए नीडल इज यूज इन सेइंग, मतलब सिलने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, सुइंग की निडल। ओके, नेक्स्ट है, ए हैंड सॉ इज यूज टू कट वुड। लकड़ी काटने के लिए हम लोगों को हैंड सॉ की, हैंड सॉ मीन्स होता है जो हाथ से काटते हैं ना औजार, जैसे ये सॉरी ये हाथ ये। ओके, इसको हम लोग हाथारी भी कहते हैं। फाइव है, ए सिकल इज यूज टू कट ग्रास। सिकल, सिकल मीन्स होता है हंसिया या हंसुआ कह सकते हैं, जिससे घास काटी जाती है। सिक्स है, एन एक्स इज यूज टू कट ट्रीज। पेड़ काटने के लिए हम लोगों को कुल्हाड़ी की जरूरत होती है। नेक्स्ट है, ए हैमर इज यूज टू ड्राइव इन नेल्स। हैमर, हैमर मीन्स होता है हथौड़ा। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन है, ए स्क्रू ड्राइवर इज यूज टू ड्राइव इन स्क्रूज। स्क्रू ड्राइवर मीन्स क्या होता है, पेचकस। एंड स्क्रूज मीन्स हम लोग पेच होता है ना, नट वगैरह वो होता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ एक आईक्यू क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए, मैंने इसे फिल नहीं किया है, सो आप लोग इसे कंप्लीट कीजिएगा। नेम द थिंग्स कॉमनली यूज्ड बाय कारपेंटर्स। ऐसी चीज जो कारपेंटर्स, कॉमन कारपेंटर्स यूज करते हैं। दिस थिंग्स हैज द सेम नेम। उस चीज का एक सेम नेम है जो एज अ पार्ट ऑफ अवर बॉडी, जो हमारे बॉडी, जो हमारे बॉडी का एक पार्ट है, और दोनों के नेम बिल्कुल सेम है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इसको ध्यान लगाइए, कोशिश कीजिए, बहुत टफ भी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। एंड ये जो मैं कंप्लीट करवाई हूँ, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, जैसे जैसे मैं फिल की हूँ वैसे वैसे आप लोग, अगर कोई वर्ड मीनिंग, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ मैंने वर्ड मीनिंग भी लिखी है, तो आप लोग इसे देख लीजिए एंड स्टूडेंट्स इसे लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू।